हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं GNFC स्टॉक के बारे में और इसके टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस स्टॉक के रेजिस्टेंस की बात करें तो स्टॉक लगभग अपने रेजिस्टेंस के आसपास ही खड़ा है। ये रेजिस्टेंस है 667 के आसपास, लेकिन इसको अगर हम थोड़ा ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाता है 675 पर। ठीक है, बात करें सपोर्ट की तो स्टॉक के लिए एक सपोर्ट था जो कि था 626 रुपए के आसपास, वहीं पे स्टॉक टच करके वापस से बाउंस बैक किया है। ठीक है, तो अब आपको बाय करना है इस स्टॉक में, यदि बाय करना है तो, और अपने खुद के एनालिसिस पर करेंगे। ठीक है, अपने खुद के एनालिसिस पर बाय करेंगे, जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यहां से ट्रेंड लाइन भी बन जाती है, ये अगर हम ट्रेंड लाइन देखें ऊपर की साइड, या इसको नेक लाइन कह सकते हैं, हाँ इस पैटर्न की, यहां से अगर हम देखें तो एक कप पैटर्न सा बन रहा है, कप विद हैंडल, कप विद हैंडल का पैटर्न बन रहा है। अब देखना है कि ब्रेकआउट इस ट्रेंड लाइन का होगा कि नहीं होगा। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो फिर आपको टारगेट बड़े मिलेंगे, और मैं सजेस्ट करूंगा कि आपका जो टारगेट होगा लगभग यहां से हम काउंट करने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, तो यहां से आपका जो टारगेट बनेगा वो लगभग 10% का बन सकता है। ब्रेकआउट होने के बाद 10% का लगभग यहां से आप 60 रुपये मान सकते हैं, 680 से तो 740 के आसपास बन जाता है। तो आपके लिए जो रेजिस्टेंस है आगे वो सीधा 730 पर है, जो कि हम अनुमान लगा रहे थे वही लगभग आया है निकल के, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बाय करने का मौका कहाँ पर मिलेगा? इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने पर, और ट्रेंड लाइन कहिए या फिर इस नेक लाइन का ही ब्रेकआउट हो जाए, सॉरी ये जो रेजिस्टेंस है इसका ब्रेकआउट हो जाए तो बहुत है, क्योंकि स्टॉक यदि क्लोजिंग ऊपर देगा, यहाँ से ऊपर क्लोजिंग देगा यहाँ पे, तो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। मान लीजिए आपने इस कैंडल की तरह, जी हाँ इस कैंडल की तरह आपने यहाँ पे बाय किया होता कि अब तो स्टॉक में ब्रेकआउट हो गया है तो आप फंस जाते। ठीक है, तो आपको तब बाय करना है जब स्टॉक की जो कैंडल की जो क्लोजिंग है वो सपोर्ट के ऊपर हो, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहता है एंट्री लेने के लिए। ठीक है, तो आप अपने एनालिसिस पर और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस पर बाय करने के बारे में सोच सकते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम।